हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी कोर्स के अंदर हम अभी तक दो चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और हमारा अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट डे का टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसके अंदर हमने आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में बताया। तो स्टूडेंट, आज इस चैप्टर का सेकेंड डे है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेच्यूटरी कॉरपोरेशन। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं स्टेच्यूटरी कॉरपोरेशन क्या चीज है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया कि पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर गवर्नमेंट को बिजनेस में एंटर करना है तो गवर्नमेंट के पास तीन ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड ऑप्शन एक होती है स्टेच्यूटरी कॉरपोरेशंस, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और थर्ड एक ऑप्शन है गवर्नमेंट कंपनीज, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टेच्यूटरी कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कई एरियाज के अंदर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमें यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस की फील्ड के अंदर गवर्नमेंट को कभी लगा कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमारी भी प्रेजेंस जरूरी है जिससे कि लोगों को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या करा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया। तो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करती हैं, रूल पास करती हैं, और उस एक्ट के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। उस एक्ट के अंदर ही मेंशन करा जाता है उनकी पावर्स क्या होंगी, प्रिविलेजेस क्या होंगी। सारा फाइनेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और बेसिकली अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की होती है, बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कंपैरेटिवली फ्रीडम भी दे दी जाती है। इनको ये फ्रीडम दे दी जाती है कि अगर ये बाहर से कहीं से पैसा बोरो करना चाहें, लोन्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर ये अपने ही रेवेन्यू को अपने लिए यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिकली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में ज्यादा रिजिडिटी थी, यहां पर थोड़ी सी फ्लेक्सीबिलिटी दे दी गई है। तो बेसिकली कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होगा और उस एक्ट के अंदर इनकी पावर्स को, इनके प्रिविलेजेस को डिफाइन किया जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ये कॉरपोरेट बॉडी की फॉर्म में होते हैं। कॉरपोरेट का मतलब होता है जिसका लीगल एग्जिस्टेंस अलग से हो। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, प्रॉपर्टीज बेच सकती हैं, किसी ने केस करना है तो वो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट केस कर सकता है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी के अगेंस्ट केस करना है तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट भी केस कर सकती है। तो कंपैरेटिवली इसके अंदर जो फ्रीडम है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो थोड़ा सा देखते हैं एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसके बारे में क्या गिवन है। स्टेच्यूटरी कॉरपोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जब भी कोई स्टेच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल एक्ट पास किया जाएगा, उस एक्ट के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा। द एक्ट डिफाइंस द पावर्स एंड फंक्शंस, उस एक्ट के अंदर बताया जाएगा उसकी पावर्स क्या होंगी, वो क्या फंक्शंस कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, गवर्निंग इट्स एम्प्लॉइज एंड इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो सब कुछ उसके बारे में उस एक्ट के अंदर मेंशन होगा, उसकी पावर्स, प्रिविलेजेस, एम्प्लॉइज को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, सब कुछ उस एक्ट के अंदर मेंशन होगा। इट इज अ कॉरपोरेट पर्सन, कॉरपोरेट का मतलब होता है जिसका लीगल एग्जिस्टेंस अलग से हो और उसके अगेंस्ट कोई केस किया जा सके, वो किसी के अगेंस्ट केस कर सके, वो प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीद सके। एंड हैज द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम, वो अपने नाम से एक्ट करेगी, उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस से अलग। स्टेच्यूटरी कॉरपोरेशंस देयरफॉर हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। तो दोनों का मिक्सचर हो गया, गवर्नमेंट की पावर्स भी इनके पास है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अपने डिसीजंस खुद लेने की जो पावर चाहिए, वो भी स्टेच्यूटरी कॉरपोरेशंस के पास है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बना था उसके लिए एक एक्ट पास हुआ था जिसको कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो उस एक्ट के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए जो एक्ट पास किया गया था, डेट वाज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956। एयर इंडिया,
तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिसको आप स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हो, इनको गवर्नमेंट ने इसलिए एस्टैब्लिश किया है ताकि गवर्नमेंट इस फील्ड के अंदर कुछ काम कर सके, और इनको एस्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास किया गया है, और उस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है इनकी पावर्स क्या होंगी, इनके प्रिविलेजेस क्या होंगे, ये क्या फंक्शंस कर सकते हैं, क्या फंक्शंस नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल्स में भी आपको एक दो एग्जांपल्स आने चाहिए, कई बार पेपर के अंदर पूछ लेते हैं। देखते हैं इनके फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर है फॉर्मेशन, वो मैंने आपको बता दिया। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कैसे बनेंगी, पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास किया जाएगा, उस एक्ट के अंदर इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाएगा, और वही एक्ट डिफाइन करेगा इनकी पावर्स क्या हैं, इन्होंने क्या फंक्शंस करने हैं, क्या इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास किया जाएगा, उस एक्ट के अंदर इनको बनाया जाएगा, एंड आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और इस पे जो रूल्स अप्लाई होंगे, जो एक्ट के अंदर रूल्स दे रखे होंगे वो अप्लाई होंगे, इन पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वाले रूल अप्लाई नहीं होंगे। द एक्ट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट, किस पर्पस के लिए उसको बनाया गया, उनकी पावर्स क्या होंगी, उनकी प्रिविलेजेस क्या होंगी, वो सब कुछ उस एक्ट के अंदर मेंशन होता है, मतलब जो कुछ भी उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे सब कुछ उस एक्ट के अंदर मेंशन होंगे। जैसे भी मैंने आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, तो उस एक्ट के अंदर सब कुछ मेंशन है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उसके पास क्या पावर्स हैं, क्या पावर्स नहीं है। देन स्टूडेंट्स ओनरशिप, वो मैंने आपको बताया कंप्लीटली गवर्नमेंट की ओनरशिप है, सारा का सारा जो पैसा लगाया गया है वो गवर्नमेंट लगा रही है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट, स्टेट हियर मींस गवर्नमेंट, तो कंप्लीटली जो है ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के अंदर आती है, सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट का है। द गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, एंड हैज द पावर टू अप्रोप्रिएट द प्रॉफिट्स, और गवर्नमेंट के पास ये पावर भी है कि अगर उसके प्रॉफिट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो वो भी कर सकती है। एट द सेम टाइम द स्टेट ऑल्सो हैज टू बियर द लॉसेज इफ एनी, अगर कोई नुकसान हो जाता है तो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है, गवर्नमेंट को वो लॉसेज भी फेस करने पड़ेंगे। देन कॉरपोरेट एग्जिस्टेंस, मैंने आपको बताया कॉरपोरेट का मतलब है जिसका लीगल एग्जिस्टेंस अलग से हो और जो अपने नाम से चीजें कर सके, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सके, अपने नाम से किसी के अगेंस्ट केस कर सके, तो ये कॉरपोरेट फॉर्म में है, इट इज अ बॉडी कॉरपोरेट, बेसिकली कॉरपोरेट फॉर्म में इसको बनाया गया है। कैन स्यू एंड बी स्यूड, मतलब अगर वो किसी के अगेंस्ट केस करना चाहे तो कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट कोई केस करना चाहे तो वो भी कर सकता है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, उन्होंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने हैं वो भी कर सकते हैं। एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से अगर वो प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो कॉरपोरेट फॉर्म में इनका एग्जिस्टेंस है, इनका एग्जिस्टेंस लीगली अलग से होता है, गवर्नमेंट के एग्जिस्टेंस से अलग है। देन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फ्रीडम, ऑटोनॉमी का बेसिकली मतलब होता है फ्रीडम, तो जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर सारा का सारा फाइनेंस गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता था, इनके अंदर ऐसा नहीं है, अपने फाइनेंस को ये खुद यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इनको बाहर से पैसा बोरो करना है तो लोन्स की फॉर्म में बोरो भी कर सकते हैं, जो इनका रेवेन्यू आएगा उसको अपने लिए यूज करना चाहे अपने लिए यूज भी कर सकते हैं, तो फाइनेंशियली इनको ज्यादा फ्रीडम है एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। दीज टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, अपना फाइनेंस खुद रेज कर लेंगे, मतलब लोन्स वगैरह अगर चाहिए, इनिशियली तो गवर्नमेंट पैसा लगाएगी बट बाद में जब इनको रूटीन में पैसा चाहिए तो लोन्स वगैरह रेज कर सकते हैं। इट ऑब्टेन फंड्स बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से पैसा बोरो कर सकते हैं, और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यूज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक से पैसा जो आएगा गुड्स और सर्विसेज को बेच के उस पैसे को भी ये यूज कर सकते हैं। इट हैज द अथॉरिटी टू यूज इट्स रेवेन्यू, मतलब अपने रेवेन्यू को वो यूज कर सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करवाने की जरूरत नहीं है। देन अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स थे वो अप्लाई होते थे, इसके अंदर गवर्नमेंट के जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं या ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं, जो एक्ट के अंदर जैसे मेंशन होगा उसके हिसाब से काम होगा, गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं होंगे। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे अप्लाई होते हैं वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पे अप्लाई नहीं होते। इट इज आल्सो नॉट कंसर्न्ड विद द सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, आपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर करा था कि जो उनको फाइनेंस मिलता था वो सारा गवर्नमेंट देती थी बजट में से, बट इनके अंदर ऐसा नहीं है, जो इनको पैसा चाहिए या अपना जो पैसा कमाएंगे उसी को दोबारा से बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर लेंगे। देन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में हमने करा कि एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रूल्स होते हैं वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज पे रूल अप्लाई होते हैं, बट यहां पर जो एम्प्लॉयज होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। एक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि उनकी अपॉइंटमेंट की कंडीशंस क्या होंगी, तो जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो एज इट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पे अप्लाई नहीं होंगे। द एम्प्लॉयज ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स, इसके एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है, एंड आर नॉट गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पे अप्लाई नहीं होते हैं। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इटसेल्फ, एक्ट के अंदर जो मेंशन होगा उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट होगी, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से नहीं होगी। एट टाइम्स सम ऑफिसर्स आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑन डेप्यूटेशन टू हेड दीज ऑर्गेनाइजेशंस, कई बार गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स को डेप्यूटेशन का मतलब टेम्परेरी बेसिस पर इनको हेड करने के लिए रखा जा सकता है, मतलब जो टॉप मोस्ट पोजीशंस है उस पर गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट कर सकती है, बट उसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको एज पर द एक्ट जो रूल्स होंगे उसके हिसाब से अपॉइंट किया जाएगा, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं कंसिडर किए जाएंगे। देन मेरिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, फ्रीडम ज्यादा है, ये अपने डिसीजंस खुद लेना चाहे ले सकते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर हमने करा था, उनको बार बार मिनिस्ट्री से पूछना पड़ता था, इनको बार बार मिनिस्ट्री से पूछने की जरूरत नहीं है, दे आर हैविंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक देयर ओन डिसीजंस, दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग, इनको ज्यादा फ्रीडम दी गई है, एंड अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, जब वो काम करेंगे तो फ्लेक्सिबल हैं, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहे ले सकते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होता, तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जब हमने करा था तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, उनको हर एक काम गवर्नमेंट से पूछ के करना पड़ता था, बट यहां पर ऐसा नहीं है, दे आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस। देन नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हमने करा, गवर्नमेंट से सीधा बजट्स में से पैसा नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट इनके फाइनेंशियल मैटर्स पे जनरली इंटरफेयर नहीं करती है। सिंस द फंड्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट, वो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के बजट से इनको पैसा नहीं आता, ये अपना पैसा खुद कमाते हैं और उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर इन द फाइनेंशियल मैटर्स इंक्लूडिंग देयर इनकम्स एंड रिसीट्स, तो गवर्नमेंट जनरली उनके फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती है, वो अपना जो पैसा आएगा उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर देंगे, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपोजिट कराने की इनको जरूरत नहीं है। देन ऑटोनोमी, ऑटोनोमी का मतलब मैंने आपको बता दिया, दैट इज फ्रीडम, तो अपनी खुद की पॉलिसीज बनाना, अपने खुद के प्रोसीजर्स बनाना, क्या करना है क्या नहीं करना खुद डिसाइड करना, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के अंदर फ्रीडम होती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आपको याद होगा मिनिस्टर्स से पूछ के करना पड़ता था, अपने आप से खुद कुछ नहीं कर सकते थे, बट दे आर हैविंग मोर फ्रीडम टू मेक देयर ओन प्लान्स, टू मेक देयर ओन पॉलिसीज, सिंस दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, ऑटोनोमस का मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंड ना करते हो, दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोविजंस विद इन द प्रोविजंस पावर्स असाइन टू देम बाय द एक्ट, तो अपने पॉलिसीज उनको बनानी है, अपने प्रोसीजर्स बनाने वो खुद बनाएंगे, बट एक्ट को ध्यान में रखते हुए, एक्ट के अंदर जो उनको पावर्स दी गई हैं उसी पावर्स के अंदर रहते हुए अपनी प्लान्स और पॉलिसीज को वो बनाएंगे। द एक्ट में हाउ एवर प्रोवाइड फ्यू इश्यूज मैटर्स विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, हो सकता है एक्ट के अंदर मेंशन कर दिया हो, बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे तो हो सकता है वहां पर एक्ट के अंदर लिखा गया हो कि मिनिस्ट्री से अप्रूवल के बाद आप डिसीजन ले सकते हो, बट जनरली जो रूटीन के मैटर्स होते हैं उसके अंदर ये इनके पास कंप्लीट फ्रीडम है, अपने डिसीजन ये खुद ले सकते हैं, अपने प्लान या पॉलिसीज ये खुद बना सकते हैं। देन फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो गवर्नमेंट की पावर की भी जरूरत होगी, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव भी चाहिए, तो यहां पर दोनों का मिक्सचर है, गवर्नमेंट की पावर्स भी आ जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर का जो इनिशिएटिव है वो भी आ जाता है, तो कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स को कंबाइन कर देती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इट हैज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, एक तरफ तो इनके पास गवर्नमेंट की पावर्स हैं कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ द प्राइवेट इंटरप्राइजेस, और प्राइवेट इंटरप्राइजेस का इनिशिएटिव भी इनके पास है, तो दोनों जब मिल जाती हैं गवर्नमेंट की पावर और प्राइवेट सेक्टर का इनिशिएटिव, तो बड़े अच्छे ढंग से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस।
देन इनके कुछ कमियां भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं. फर्स्ट थियोरेटिकल ऑटोनॉमी, हमने कहा इनके पास फ्रीडम है अपने एक्शंस लेने की, बट वो खाली कागजों में ही है, थ्योरेटिकली है. रियल लाइफ में तो इनके लिए बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं जिसके अंदर रहकर इनको काम करना पड़ता है. तो ऑटोनॉमी इनके पास इतनी ज्यादा नहीं होती जितना हम कह रहे हैं. रियल लाइफ में इनको भी बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहकर काम करना पड़ता है. तो दे डू नॉट एंजॉय एज मच ऑटोनॉमी एज वी आर टॉकिंग अबाउट. सो इन रियलिटी अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन डज नॉट एंजॉय मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. कहने को हम कह देते हैं कि इनके पास ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, बट रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती. ऑल एक्शंस आर सब्जेक्ट टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस. कोई भी इनको काम करना है उसके लिए पहले से ही बड़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दिखाने का इनके पास स्कोप नहीं होता. देन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. हम कहते हैं गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, बट अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट की ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जनरली गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती है. और पर्टिकुलरली जहां ज्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस और ज्यादा हो जाती है. तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजंस और वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व. अगर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, तो वहां पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हमेशा रहेगी. रूटीन के डिसीजन से खुद ले सकते हैं, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन में गवर्नमेंट ऑलवेज इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन. देन चांसेस ऑफ करप्शन. अब इसमें क्या है, जो इनके अंदर हम ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, हो सकता है कि उनको हमने फ्रीडम दे दी है और उस फ्रीडम को वो मिसयूज करें पर्सनल गेन्स के लिए. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में कई बार करप्शन भी देखने को मिलती है, जहां पर जो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है उसका मिसयूटिलाइजेशन भी कई बार देखने को मिलता है. इन स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस ऑफिशियल्स में मिसयूज देयर ऑटोनॉमी एंड इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक करप्शन. हमने ऑफिसर्स को पावर दे दी अपने डिसीजंस लेने की, तो हो सकता है वो गलत प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएं, दैट आर अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच एंटरप्राइज, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट हैं. तो इसके अंदर करप्शन होने के चांसेस भी काफी हद तक रहते हैं. और लास्ट डीमेरिट एक है, डिले इन एक्शंस. एक्शंस जनरली डिले हो जाता है. गवर्नमेंट क्या करती है, जनरली इसमें अपने एडवाइजर्स अपॉइंट कर देती है जिनसे सलाह करने के बाद डिसीजंस ले सकते हैं. कई मैटर्स के अंदर तो मिनिस्ट्रीज की भी अप्रूवल चाहिए होती है, तो वहां पर एक्शंस लेने में जनरली डिले हो जाता है. द गवर्नमेंट हैज अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉरपोरेशन बोर्ड. तो जनरली गवर्नमेंट इसमें टॉप मोस्ट पोजिशन पे अपने एडवाइजर्स अपॉइंट कर देती है. दिस कर्व्स द फ्रीडम ऑफ द कॉरपोरेशन इन एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर डिसीजंस. तो उससे उसकी फ्रीडम कम हो जाएगी, वो अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, अपनी मर्जी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं कर पाएंगे, उनको पहले एडवाइजर से पूछना पड़ेगा. इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर इज रेफर्ड टू द गवर्नमेंट फॉर फाइनल डिसीजन. और अगर वहां पर एडवाइजर्स के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट को मैटर रेफर हो जाएगा. दिस फर्दर डिलेज द एक्शन, उसे और ज्यादा देरी हो जाएगी. तो कह सकते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के अंदर एक्शंस लेने में देर हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा, एडवाइजर से पूछना पड़ेगा. अगर एडवाइजर्स के साथ डिसएग्री हो रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी. तो बेसिकली कह सकते हैं थ्योरेटिकली तो प्राइवेट सेक्टर के फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट का इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है. तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा. आज इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, कोशिश कीजिए साथ के साथ नोट्स बनाने की, जिससे कि आप इसको साथ के साथ एग्जाम टाइम में भी बड़े अच्छे से तैयार कर सकें. तो स्टूडेंट, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.